वो वाली 300 की, वाली 200 की सारी। बहुत बढ़िया, रुक जा देख लेंगे क्यों परेशान, तो बाद में परेशान मत हो, देख देख लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शांग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। और भैया आज की डेट तो हमें पता नहीं है, बट टाइम हो गया, डेढ़ बज गए हैं और डेढ़ बज गए अभी हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। एक्चुअली मुझे जाना है, एक जैकेट लेनी है लेदर की, क्योंकि भैया बाइक आ गई तो ठंड तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से लेदर की एक जैकेट लेनी है। दूसरी चीज़ ग्लव्स लेने हैं मुझे, क्योंकि बाइक चलाते हैं तो भैया हाथों में भी ठंड लगती है। और तीसरी चीज़ मुझे अपना फ़ोन होल्डर जो है बाइक में लगवाना है हैंडल बार पर, ताकि मैं अपना फ़ोन होल्ड कर सकूँ। प्लस इन भाई साहब को अपना कुछ सामान देना था किसी को, तो हम दोनों जाएंगे दिल्ली। और ये सामान कहाँ से खरीदेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज़ कि हम इंडिया के वन ऑफ द चीपेस्ट, मतलब चीपेस्ट से चीपेस्ट मार्केट में जाएंगे, और आज हम देखेंगे कि वहाँ पर कैसा सामान मिल रहा है। और प्लस दिल्ली के अंदर एक नया रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, दैट इज़ कि दिल्ली के अंदर एंटर करने के लिए आपको कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है, और हमें जाना है दिल्ली में। तो समझ लो अभी आज या तो कोरोना होगा टेस्ट, या फिर लेट्स सी। हो गया सामान, हो गया फ़ोन ले लिया मैंने, ये अरे हेलमेट रह गया, रुको। अच्छा हाँ, मैं क्या बता रहा था कि कोरोना टेस्ट, यस, तो वहाँ पर मतलब मैंडेटरी क्या हो, बट बाई रोड वालों के लिए मतलब वो रैंडम लोगों को पकड़ रहे हैं कि भाई साहब कोरोना टेस्ट जिनका किया जाएगा, लेट्स सी कि मेरा नंबर आता है या नहीं आता। बट मैं चाहूँगा कि ना आए, क्योंकि भैया कट टू कट चल रहा है और वो लोग वहाँ पर टाइम लगा देंगे आधा एक घंटा। अभी बाइक निकालते हैं क्योंकि लेट हो रहे हो, तो सीधा मिलते हैं आप लोगों से रोड पे। और हाँ चलो फटाफट। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, तो भैया हम पहुँच गए वहाँ से निकल के, कहाँ पे हम आ गए हैं? ओ यस, हम पहुंच गए काशीराम, जो जहां पर पार्क है, एक्चुअली सेक्टर 16 हम पहुंच गए नोएडा के। और अभी हमें चलना है, एक्चुअली अभी हमें डिसाइड करना कि पहले कश्मीरी गेट जाएं सामान देकर को, वहां से फिर सीपी जाएं, या फिर पहले अट्टा मार्केट जाएं यहां पर 18 में, उसके बाद फिर कश्मीरी गेट, उसके बाद सीपी। तो कश्मीरी गेट पहले चलें, क्यों सामान दे देंगे, सामान दे के फिर हल्के होकर के आराम से चलेंगे, ठीक है? लेकिन भाई साहब क्या लाजवाब लग रहा है, देखो जरा, देखो एक बार आप, ओ भाई साहब देख रहे हो क्या सही लग रहा है ना। हाँ, बंदे अंदे को अगर तुम डेट पे लाना चाह रहे हो तो इसके अंदर लेके भी जा सकते हो। ये काशीराम वो है पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है एक्चुअली में। ये अपनी ट्रिप हो गई है 27 किलोमीटर की। दिल्ली बॉर्डर पास, अब कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, वे फालतू में डरा के रखा था। क्या बैग देखना है? देख ले। अरे भाई भाई, यहाँ पे मिलेंगे शर्टें, कितने की है? अरे आ जाओ यार, कितने की है, कितने की साइज, 30। रेट बताओ यार, जीन्स तो बात 500 की। अरे मां, अरे यार शर्टें दिखाओ, पैंट तो बताओ पहले, रुको तो जरा देखने तो दो यार, जो चीज समझ में आई। रुक जा देख लेंगे क्यों परेशान, परेशान मत हो, देख लेंगे कितने पैसे में दी। अच्छा साइज बताओ, देख लो सुबह पहले पैंट देखो वाला कि पहले आप एक जींस ट्राई करो। अरे भाई सूज बड़े सही मिलते हैं यहाँ पे। कितने की थी भाई ये? 300 की है। दो वो वाली 300 की, वाली 200 की सारी। बहुत बढ़िया, अब हम आ गए हैं पलका मार्केट का अंदर वाला जो मार्केट है, वो अभी तक था बाहर वाला मार्केट, अब ये अंदर वाला। वेलकम टू पालिका बाजार। नहीं करूँगा
सामान तो भाई साहब काफ़ी ले लिया है, सारा का सारा अपनी डिग्गी में आ गया है। अराउंड 3,000 के आसपास की हमने शॉपिंग की है। और मतलब देखो पता है, अगर तुम यहाँ आ रहे हो ना तो भाई साहब जेब में आराम से पैसे लेकर के आओ, ताकि शॉपिंग मतलब ना भी करना चाहोगे ना तब भी हो ही जाएगी। और अभी हम कहाँ हैं, अभी हम हैं इंडिया गेट, यस। और मेरे सामने क्या है ये पता नहीं, कुछ तो है, देखो जरा इंडिया गेट के सामने ये क्या है आई डोंट नो, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे पता है फ़ोन का कैमरा बेकार है, नहीं आएगा। अच्छा जो भी है यही है। बाकी तुम इधर देखो, नहीं दिख रहा। Two hours later. और हम पहुंच गए हैं घर। यस, समय हो गया है। समय क्या हो गया भैया, 7:50 और हम पहुंच चुके हैं घर। अब हम घर आ गए हैं। तो भाई साहब अब आपको मतलब अच्छे से दिखा सकता हूं मैं कि क्या क्या सामान लिया है। अब अगर मार्केट में दिखाता तो ऐसा कुछ वो नहीं रहता ना, मतलब मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं दिखाने में। तो अभी चलो, तो भाई साहब हमारे सामान कुछ इस तरीके से। ये है एक बॉम्बर जैकेट अपनी ब्लैक कलर की, ये लेकर के आया हूँ मैं 1800 रुपये की, 1800 रुपये एक। और प्लस ये है अपनी 200 की एक टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट। एंड ये कितने 100 के थे, 150 के ग्लव्स हो गए अपने। एक शर्ट ये है, दो शर्टें होंगी, एक शर्ट ये हो गई तीन, और भैया जी एक शर्ट ये हो गई चार, बस इतना ही किया था ना। और हम लेकर के आए थे ये बेल्ट एक, और एक भाई साहब को एक जारा की एक जो है परफ्यूम पसंद आ गई थी, रेड वनीला। अब इसके रेट बता देता हूँ, रेड वनीला 100 की, समझ लो जारा। और ये 200 की थी ना बेल्ट अपनी, 200 की। तो अपना कितना हो गया, 200, 300 और 800 रुपये शर्ट के, 800 प्लस 200 रुपये टी शर्ट के, मतलब 1400 और 1450 रुपये हो गए हैं अपने। और कुछ और लिया नहीं हमने, 1450 रुपये की हमने शॉपिंग की। वैसे कुछ और भी सामान लेना था, लेकिन केवल और केवल इस सामान ना लेने के पीछे एक ही रीजन था, ये भाई साहब ये पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने नहीं लेने दिया। इन्होंने बोला भाई साहब घर पे चलना है जल्दी, क्योंकि रात हो जाएगी तो ठंड लगेगी, और इनकी लग गई। ये तो थी हमारी शॉपिंग के बारे में। अब हम आपको बता दें कि ये भैया मार्केट कहाँ पर है, और ये क्यों प्रॉफिटेबल है, और क्या क्या इसके नुकसान है, क्या क्या चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स, दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, ये लोकेटेड है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 के पास में, जो आपका फ्लैग वाला एरिया है ना, जैसे CP में, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और दूसरी चीज़ इसके, अब हम प्रोज और कॉन्स पे आ जाते हैं। प्रोज मतलब जो एडवांटेज हैं वो ये है कि भाई साहब यहाँ पर सस्ते कपड़े और सस्ते जूते, मतलब हर चीज़ एक से चीप रेट में मिल जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं चीपेस्ट मार्केट ऑफ इंडिया। एंड कॉन्स ये हैं, इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नहीं, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो इस तरीके की किसी भी मार्केट में, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो दो चीज़ें याद रखो। पहली चीज़ कि आप अपने साथ में, अगर आप मतलब बार्गेनिंग में अच्छे हो तो आप लेकर के जाओ खुद को ही, और नहीं तो फिर भाई साहब किसी एक ऐसे इंसान को आप साथ में लेकर के जाओ जो बार्गेनिंग में बहुत अच्छा हो। मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो जैकेट है ना, ये वाली जैकेट भाई साहब 3000 की बताई थी, 3000 की ये जैकेट बताई थी हमें, 1800 में मिली। और अगर मतलब शुभम कह रहा था कि इससे सस्ते में भी मिल जाती है, अगर मतलब तुम मतलब ये लगा लो, अगर वो 2000 बोल रहा है ना, तुम उसको 800 रुपये बोलो भाई साहब 800 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, इतना ही हो पाएगा। वो 800 में भी एक टाइम पे आने के बाद वो 800 में भी देने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि ये सारा माल बहुत सस्ते मिलता है भाई साहब। तो सिंपल सी चीज़ है भाई साहब, ये आप अपनी बार्गेनिंग स्किल एकदम तगड़ी वाली करके लेके जाओ। दूसरी चीज़, जेब में अगर आप घूमने भी जा रहे हो ना, तो जेब में कम से कम 2000 रुपये डाल के लेके जाओ। मुझे पता है फॉर श्योर आप कुछ ना कुछ आप खरीद लोगे, इतना सस्ता मिलता है वहाँ पर कि आपका करे यार चलो 100 रुपये का मिल रहा है, 200 रुपये का मिल रहा है, खरीद लो यार। और अगर पैसे नहीं हो फिर आप कहोगे अरे इसकी माँ का पैसे क्यों नहीं लेके आया, इतना सस्ता सामान मिल रहा है। सो ये पैसे लेकर जाओ। दूसरी चीज़, बार्गेनिंग स्किल्स लेकर के जाओ अपने साथ में। और तीसरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़, जो आपने वीडियो में भी देखी पहले, कि वहाँ के जो लोग होते हैं, जो बैंडर्स होते हैं, वो को पकड़ के आपको खींचेंगे कि अरे आ जाओ भाई साहब हमारे, नहीं वहाँ खींच के नहीं जाना है। और मतलब अपने आप से देखो, और सारी दुकानों पर पहले देखो, उसके बाद में कहीं एक जगह पर जाकर के खरीदो। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं खींचा, अरे भाई साहब आ जाओ, क्योंकि वो लोग पता क्या करते हैं, जैसे वो आपको खींचेंगे, आपने एक चीज़ के ऊपर अगर आपने उंगली रखी कि ये ठीक लग रही है, वो तुरंत वो पैक कर रहे हो, कहेंगे चलो पेमेंट करो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ पर आप इसकी क्वालिटी, आप ये चीज़ें चेक करो, वो चीज़ें चेक करो, वो नहीं चाहते हैं।
तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप, प्लीज़ चेक करें और उसके बाद में पूरा मार्केट पहले घूमो, चेक करो अच्छे से, रेट्स पता करो क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा बैरी करते हैं वहाँ पर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल सम अदर डे। एंड या जब भी हो सकता है हम आपको साथ में एक नई वीडियो लेकर के आपके साथ में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो। बाय, पीस।